बनाना है, ऐसी कि जो भी आपसे मिले, आपसे बात करे, वो आपका हो जाए या आपकी हो जाए। ऐसा कैसे होगा सर? पहले तो लूपहोल्स पता करना पड़ेगा आपने। क्या पता करना पड़ेगा? लूपहोल्स पता पड़ने में कहाँ पर कमजोरी है, कि हमारी क्या वीकनेस है वो हमको पता। राइट, वेरी नाइस। और बताइए सर, हर नए इंडिविजुअल से मिलने पे हमें कुछ और प्रोग्रेस करनी चाहिए कि हम और अच्छे तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए उसके सामने। बट एक्सप्रेस करते कैसे? पहले उस इंसान को जानना चाहिए जो हमारे सामने है, मतलब जानना चाहिए इन द सेंस कि जैसे वो सामने आता है तो हमें पता होना चाहिए कि उसका मोटिव क्या है हमसे बात करने के लिए। राइट, उसका मोटिव क्या है, उसका माइंडसेट क्या है, और सामने वाले को हमको समझना पड़ेगा। राइट, लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर हर। वेरी वेरी गुड। मतलब कि हमको सामने वाले को समझना होगा। द बिगेस्ट क्वालिटी फॉर एक्स्ट्राऑर्डिनरी कम्युनिकेशन स्किल्स, इससे बड़ा और कुछ हो नहीं सकता। मतलब कि अंडरस्टैंडिंग। अगर कम्युनिकेशन स्किल्स को मेरे को एक वर्ड में सम अप करना हो, एक है टेक्निक्स। आप इंटरनेट पे जाओगे या इधर उधर बुक्स पढ़ोगे, आपको टेक्निक्स मिलेंगी कि अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को ना ऐसे इंप्रूव कर लो। बट रियल लाइफ से आप देखोगे उसका कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, क्योंकि अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि सामने वाले को आपसे क्या चाहिए, तो आप चाहे कितने भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी कम्युनिकेटर हो, फेल हो जाओगे। मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देता हूँ कि कोई सेल्समैन है, उसकी बात करने का स्टाइल बहुत बढ़िया है, हाँ, और बहुत कॉन्फिडेंस है, प्रेजेंटेशन स्किल्स भी अच्छी है, लेकिन आप मांग कुछ और रहे हो, आपको दिखा कुछ और रहा है। होते हैं ऐसे। हाँ, आप एक स्टोर में गए, आप जा करके उसको समझा रहे हो, भैया देखो मेरे को ये चाहिए ये चाहिए। हाँ जी मैडम, ये अभी लाया। ओ लाया अंदर से 5 मिनट लगा करके, मतलब आपका 5 मिनट खराब करे। होता है ऐसा, और अंदर से 4 चीज़ें निकालो, बहुत बढ़िया जी मैडम, ये देखो 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 देखो, बहुत बढ़िया बहुत। आप भाई क्या दिखा रहा है, मैंने तेरे से कुर्ता मंगा है, पजामा लेकर के आ गया, घर क्या रहा है। होता है कि दो लोग हैं, अब ये बड़ा सिंपल से एग्जांपल है, आप लोग सब रिलेट करोगे, घर में माँ बाप की लड़ाई हो रही है, दोनों एक दूसरे को यही बोल रहे हैं, तुम समझो तो सही मैं कह क्या रहा हूँ। आपको समझ आ रहा है मैं बोल क्या रही हूँ? मैं बोल कुछ रही हूँ, आप कुछ और बोल रहे हो, किसी और बात पे लड़ रहे हो, पहले समझो तो सही मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। वो हम समझते नहीं है, बस अपना 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 चलते रहते हैं। समझ आ रहा है? डे टू डे लाइफ से रिलेट कर पा रहे हो इन सब चीज़ों को? तो यहाँ पर कम्युनिकेशन की कोई गुंजाइश ही नहीं है। क्या हो रहा होगा? आपस में आर्ग्यूमेंट हो रहा होगा, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा होगा, यही होता है। जो भी बंदे आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं, समझ जाओ उनकी कम्युनिकेशन स्किल जीरो है। जो जितना ज़्यादा आर्ग्यूमेंट करते हैं लोगों के साथ में, जितनी ज़्यादा बहस करते हैं, समझ जाओ बिल्कुल घटिया कम्युनिकेशन स्किल्स है उसकी। क्योंकि जिसकी तगड़ी होगी ना कम्युनिकेशन स्किल्स, उसका कभी किसी से आर्ग्यूमेंट होगा ही नहीं। उस डिस्कशन का जो ट्रैक है उसको चेंज कर देगा, सामने वाले बंदे से एग्री कर जाएगा। द मोमेंट यू एग्री, सामने वाले से एग्री कर गए, आर्ग्यूमेंट खत्म। देख रहे हो, ये छोटे छोटे न्यूएंसेस हैं कि आपकी एक शॉप है या आप कहीं पे जॉब करते हो, कोई क्लाइंट आपके पास में आया, उसने आकर के आपके प्रोडक्ट के बारे में उल्टा सीधा बोला। अब आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो ये उसे आर्ग्यूमेंट करो, वो आर्ग्यूमेंट कभी जीत पाओगे नहीं। वो अपने पॉइंट को प्रूव करेगा, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को प्रूव करोगे। इसका मतलब आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है? जीरो है, बिल्कुल रद्दी है। क्योंकि आप यहां से बड़बड़ कर रहे हो, वो वहां से बड़बड़ कर रहा है, एंड में क्या होगा? लड़ाई झगड़ा होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा। कम्युनिकेशन स्किल्स क्या कहती हैं? जैसे कोई आया, उसने आकर के आपको कुछ भी बोला उल्टा सीधा, मान लो आपको पता है आपके प्रोडक्ट में प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी एग्रीड, हाँ जो आप कह रहे हो सही है। अब कैसे आर्ग्यू करेगा वो बंदा? सोचो, समझ रहे हो? मैं समझ सकता हूं कि आप क्या कह रहे हो, आई अंडरस्टैंड, आई एग्री, लेकिन एक ट्रैक चेंज किया आपने, लेकिन मैं एक बार समझना चाहूंगा आप कह क्या रहे हो और किस बेस पे कह रहे हो, उससे पूछना शुरू किया। अब क्या हो रहा है यहां पे? आर्ग्यूमेंट हो रहा है या डिस्कशन हो रहा है? अगर ये आप समझ पाओ तो कम्युनिकेशन अच्छी हो सकती है, तो कम्युनिकेशन का स्कोप है, नहीं तो कम्युनिकेशन का कोई स्कोप नहीं। अब समझने के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ जी, जवाब दो। ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ऑब्जर्व करना क्या होता है? देखना, जानना कि वो कहना क्या चाह रहा है या उसका माइंडसेट क्या है हमारे लिए, क्या चाह रहा है, देखना कि वो क्या कर रहा है।
सामने वाले इंसान को देख के ये समझना कि आखिर उसका माइंडसेट किस तरीके का है और हम उससे क्या बातें कर सकते हैं जो उसका रिप्लाई अच्छा मिले. यू शुड थिंक बिफोर यू स्पीक. यू शुड रिकंसाइल योर थॉट्स एंड देन कम टू अ कंक्लूजन. You should reconcile your thoughts. You should observe. But my question is very simple. My question is, what is observation? Consciousness. कभी सोचते हैं हम? Deeply सोचो. एकदम से बोलो मत. यही हमारी problem है. हम बोलते बहुत जल्दी-जल्दी हैं. चीजों को समझते नहीं हैं deeply. कभी हमने समझने की कोशिश करी? What is observation? आप मुझे देख रहे हो, सुन रहे हो, क्या इतना ही काफी है? इसको observation कहेंगे? इसको listening कहेंगे? एक extraordinary listening कहेंगे? क्योंकि आप मुझे देख तो रहे हो, मुझे सुन तो रहे हो, लेकिन अपने अंदर ही अंदर कुछ सोच रहे हो. क्या उसको ऑब्जर्वेशन कहेंगे? एक अच्छी ऑब्जर्वेशन कहेंगे? समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? मैं आपके माइंड की बात कर रहा हूँ, अपने नहीं कर रहा. कि मेरे सेशन देख रहे होते हो, उसमें मैं कुछ बोल रहा होता हूँ और अपने मनी मन क्या सोच रहे होते हो, हाँ ये जो बंदा बोल रहा है वो तो ठीक है, लेकिन इसको पता नहीं है मेरे माँ बाप कैसे हैं. आता है माइंड में? हाँ, इनको नहीं पता मेरी इस लाइफ की सिचुएशन क्या है. ये बात ठीक है लेकिन मेरी लाइफ से कनेक्टेड ही नहीं है. तो क्या हुआ? टॉपिक क्लोज. फिर मेरे सेशंस को देखने का फायदा क्या हुआ? समझो, बारीकी से समझो. ऑब्जर्वेशन मींस, अब इसको ध्यान से समझना, ऑब्जर्वेशन मींस बीइंग अनबायस्ड. जैसे एक साइंटिस्ट होता है, एक साइंटिस्ट को समझना है किसी चीज को, मान लो स्किन को समझना है कि स्किन क्या है. तो अब ऑब्जर्व करने के दो तरीके हैं. एक तो है फ्रॉम अ लेमैन्स पर्सपेक्टिव, वो कैसे देखेगा स्किन काली है गोरी है, स्किन अच्छी है बुरी है, ये स्किन इंडियन की है, ये स्किन फिरंगी की है, वॉट एवर इट इज, ही इज नॉट कंसर्न्ड अबाउट द स्किन. इसका टेक्सचर ऐसा है, इसका टेक्सचर वैसा है, ये नहीं, सिर्फ देखना. आपको ये तक समझना होता है कि सामने वाला जो बंदा है वो बोल तो रहा है बट एक्चुअल में वो क्या चाहता है. जैसे आप किसी दुकान में जाते हो शॉपिंग करने के लिए, सामने वाले ने बोला 100 रुपए का है, आप क्या कहोगे? भैया 50 का देना है, दे दे. जबकि आप मनी मन क्या सोच रहे हो? 100 में भी बुरा नहीं है, मुझे तो पसंद आ गया है. लेकिन आप क्या कह रहे हो? 50 रुपए. तो अब अगर वो शॉपकीपर नहीं समझ पाया इस खेल को तो शायद वो 50 में दे देगा आपको या 60 में दे देगा, कॉस्ट टू कॉस्ट दे देगा, उसका नुकसान हो जाएगा. अल्टीमेटली उसको शॉप के लिए रेंट तो निकालना ही है ना, कोई चैरिटी तो कर नहीं रहा है, कोई गुरुद्वारा तो है नहीं कि आपको खिलाता रहे वहाँ पर बिठा करके. तो उसको कुछ और चाहिए, यानी कि आप अगर वो शॉपकीपर हो, आपको कुछ और चाहिए, आपको 100 रुपए चाहिए, सामने वाला आपको 50 रुपए दे रहा है, आपकी कॉस्ट 60 रुपए. अब क्या करोगे? वो किया जो सामने वाला चाहता है तो आप मारे गए, वो किया जो मैं चाहता हूं तभी बीच का रास्ता नहीं निकला. तो उसको जोड़ना पड़ेगा, सामने वाले से क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे. कम्युनिकेशन स्किल्स का एक बहुत एक मैं अगर बारीकी से पॉइंट्स कुछ टच करूं ना तो वो ये है कि आपको क्वेश्चंस पूछने होंगे सामने वाले से. जैसे ही सामने वाला कोई बोलता है, कुछ भी बात कर रहा होता है, चाहे वो फ्रेंड्स के बीच में हो रही है, रिलेटिव्स के बीच में हो रही है, पेरेंट्स के साथ हो रही है, ऑफिस में कलीग्स के बीच में हो रही है, बिजनेस में आपके क्लाइंट्स के साथ में हो रही है, तो आपको बार बार क्वेश्चंस पूछने, पहले आपको समझना है तभी तो समझ आएगा. हम बड़ी जल्दी अज्यूम कर लेते हैं, सामने वाले ने कुछ बोला और हमने अज्यूम कर लिया कि हाँ हमको समझ आ गया है. इतनी जल्दी नहीं समझ आता है, समझना पड़ता है. सामने वाले ने कोई बात बोली तो उससे पूछना है कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, मतलब, और थोड़ा इंटरेस्ट के साथ में, अपने फेस पे एक हल्की सी स्माइल रख करके. नहीं तो क्वेश्चनिंग भी इंटिमिडेटिंग हो सकती है कि सामने वाले को ऐसा लगेगा कौन मेरे को तंग कर रहा है. ऐसे कुछ लोग होते हैं ना, आपको मिलते हैं और आ करके एक के बाद एक क्वेश्चन पूछते चले जाते हैं, है ना, स्पेशली जो थोड़े बड़े बूढ़े रिलेटिव होते हैं, एक के बाद एक, अच्छा ये क्या कर रहे हो, वो क्या कर रहे हो, नहीं समझ उसको कुछ नहीं आ रहा है. उनको बोलो जो पहले का मैंने जवाब दिया था समझ आया, नहीं नहीं वो छोड़ो, ये दूसरा मेरे रटे हुए हैं सारे के सारे क्वेश्चन, और जिससे मिलेंगे सबसे एक जैसे क्वेश्चंस पूछेंगे. इसका मतलब उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स जीरो है. कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़िया होने का मतलब क्या है कि आपने क्वेश्चन पूछा इंटरेस्ट के साथ. जेन्युइनली अगर आप उस कॉन्वर्सेशन में इंटरेस्टेड हो, यानी कि आपकी इंटेंशन है कि मुझे जेन्युइनली इससे जाकर के बात करनी है, समझना है, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होगी? लगाओ दिमाग. कभी नोट किया है दो लोगों के बीच में कॉन्वर्सेशन हो रही होती है, वो सामने से कुछ बोल रहा होता है और वो इधर उधर देख रहा होता है, है ना, मतलब वो इरिटेटेड है, फ्रस्ट्रेटेड है, मतलब कि वो बीच का रास्ता निकालना ही नहीं चाहता है. तो क्या बीच का रास्ता निकलेगा? सामने वाला बंदा और खुंदक में आ जाएगा. तो उसको क्या करना है, अगर वो कुछ नेगेटिव भी बोल रहा है, आपको कोई कुछ नेगेटिव भी बोल रहा है, तब भी आप इंटरेस्ट के साथ सुन रहे हो. ऑनेस्टली बता रहा हूं, मुझे इस तरह के फीडबैक ज्यादा अच्छे लगते हैं. ऐसे करके आप बोल सकते हैं सामने वाले को,
जहाँ से कोई मेरे को नेगेटिव मेरा कुछ बताए, क्योंकि वहीं से तो मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ अपने आप को। छोटी छोटी चीज़ें हैं कि जब सामने वाले ने कुछ बोला, एक और गड़बड़ क्या होती है, हम इमीडिएटली बोलने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। जबकि अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब क्या है कि सामने वाले ने कुछ बोला, आपने पॉज दिया, समझा, रिपीट किया। जैसे आप एक शॉपकीपर हो, आपके पास में कोई आया है कुछ लेने के लिए, तो उसने पहले आपको समझाया, पहले आपने अच्छे से समझा, फिर रिपीट किया कि अच्छा आप यही कह रहे हैं ना, समअप कर दिया कि उन्होंने तीन चार चीज़ें बताई, क्या यही तीन चार चीज़ें हैं जो आप कह रहे हो, अच्छा ये है ये है ये है, ठीक है मैं अभी लेकर के आता हूँ। इसका मतलब आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, नहीं तो आप सिर्फ बेचने की कोशिश कर रहे हो। इस दुनिया में हर कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू बेचने की कोशिश कर रहा है, ये बहुत बड़ी गड़बड़ है। बीच में आपको पॉज देना सीखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉज से क्या लगता है सामने वाले को, किस बंदे को समझ आ रहा है कि मैं बोल क्या रहा हूँ। कि अगर आपके पेरेंट्स ने आपको कुछ बोला तो पहले आपने पॉज दिया, फिर समझा के हाँ बाबा आप कह तो ठीक रहे हो, लेकिन मैं एक मिनट समझ नहीं पा रहा, एक मिनट आप मेरे को ढंग से समझाओगे विद इंटरेस्ट, तो आपकी कम्युनिकेशन अच्छी।